विधानसभा चुनाव से पहले एक बड़ा घटनाक्रम होने जा रहा है और यह घटनाक्रम बेहद चौंकाने वाला होगा। आपको बता दें कि भाजपा के वरिष्ठ नेता समंदर पटेल कांग्रेस में शामिल होने वाले हैं। जी हां, भाजपा के वरिष्ठ नेता समंदर पटेल कांग्रेस में शामिल होने वाले हैं। इसके लिए तैयारी कर ली गई है और जल्द ही वे कांग्रेस में शामिल होंगे। सूत्रों के मुताबिक हाल ही में जावद से एक प्रतिनिधिमंडल भोपाल पहुंचा था और इस प्रतिनिधिमंडल ने कमलनाथ से मुलाकात की और मुलाकात के बाद यह तय किया गया कि समंदर पटेल को कांग्रेस में ले लिया जाएगा। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने भी इसको लेकर हरी झंडी दे दी है। इंडियन नेशनल कांग्रेस से एक फोटो जारी किया गया और इस फोटो में बताया गया है कि कमलनाथ जावद से आए नेताओं से मिल रहे हैं और इस मुलाकात में क्या कहा गया या तो फोटो में नहीं लिखा है, लेकिन हम आपको बताने जा रहे हैं विशेष सूत्रों से कि जावद से आए नेताओं से कमलनाथ के समक्ष समंदर पटेल को लेकर चर्चा की गई और समंदर पटेल ने कांग्रेस में जाने की तैयारी कर ली है और कमलनाथ ने भी इस मामले को हरी झंडी दे दी। आपको बता दें कि 11 तारीख को जावद में एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, उसके बाद 18 तारीख को समंदर पटेल कांग्रेस में शामिल हो जाएंगे और इसको लेकर समंदर पटेल ने हालांकि अभी कुछ नहीं किया है। वहीं जावद के कभी किसी भी नेता ने कोई बयान नहीं दिया है, लेकिन यह खबर पुख्ता हो गई है कि करीब 800 से 1000 की गाड़ियां लेकर समंदर पटेल कांग्रेस में शामिल होने वाले हैं और कांग्रेस में शामिल हो जाएंगे। इधर समंदर पटेल को यदि जावद से विधानसभा टिकट मिलता है तो सत्यनारायण पाटीदार का क्या होगा, तो ऐसे में संभावना जताई जा रही है कि इसको लेकर भी एक बड़ा उलटफेर होगा और सत्यनारायण पाटीदार को नीमच से पुनः टिकट मिल जाएगा, जिससे उनकी भी दावेदारी बनी रहेगी और दिग्विजय सिंह का भी दबदबा रहेगा और समंदर पटेल को लेकर जावद विधानसभा सीट भी सुरक्षित निकल जाएगी।